So we need to integrate 5x minus 2 divided by 1 plus 2x plus 3x square. ध्यान से देखें तो ऊपर लीनियर है हमारे पास, नीचे क्वाड्रेटिक है हमारे पास. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, ऊपर अगर लीनियर हो लेट सपोज ए एक्स प्लस बी, नीचे अगर क्वाड्रेटिक हो लेट सपोज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम जो भी हमारा न्यूमरेटर होता है दैट मीन्स द लीनियर पार्ट, उसको हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी है यहाँ पे, उसको लिखते हैं लैम्डा इंटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक पार्ट विच इज इन डिनोमिनेटर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस म्यू. तो लैम्डा इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस म्यू. यहाँ से लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में. सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट इस तरह के क्वेश्चंस को करना है करने का है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप 6 से 8 मिनट तक सॉल्व करने के कैपेबल हो. मतलब क्वेश्चंस में कोई खास डिफिकल्टी नहीं होगा, कुछ फॉर्मूलेस होंगे जो अप्लाई होंगे, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है पेशेंस इस तरह के क्वेश्चंस में. तो स्टार्ट करते हैं. जो ऊपर लीनियर पार्ट है 5x माइनस 2, उसको मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस म्यू यहां लिख दिया. अच्छा, तो आगे करते हैं. 5x माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज 6x प्लस म्यू. सो लेट्स जस्ट कंपेयर अ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. तो 5x माइनस 2 इज 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इंटू एक्स प्लस म्यू. अब इसको और अच्छे से लिखे तो 5x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 6 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू एक साथ. कंपेयर करें तो एक्स का कोफिशियंट इधर 5 है, इधर 6 लैम्डा, तो 5 इक्वल्स टू 6 लैम्डा. और जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 2, वो है 2 लैम्डा प्लस म्यू के. लैम्डा यहां से 5 बाई 6 आ गया, इसको उठा के हम इधर रख देते हैं. माइनस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 बाई 6 प्लस म्यू. माइनस 2 इक्वल्स टू 10 बाई 6 प्लस म्यू. तो यहां से हमारे पास माइनस 2 माइनस 10 बाई 6 इक्वल्स टू म्यू. तो माइनस 12 माइनस 10 बाई 6 इक्वल्स टू म्यू. म्यू का वैल्यू माइनस 22 बाई 6 माइनस 11 बाई 3. तो जो हमारा लीनियर पार्ट है 5x माइनस 2, उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट. इस पे आते हैं, लैम्डा का वैल्यू हमारे पास 5 बाई 6 है इंटू 2 प्लस 6x प्लस म्यू का वैल्यू हमारे पास माइनस 11 बाई 3. ठीक है, तो यहां से मतलब कि जो भी चीज न्यूमरेटर में था उसके जगह पे हम ये लिखेंगे, तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 5 बाई 6 इंटू 2 प्लस 6x माइनस 11 बाई 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx. सेपरेट कर सकते हैं, तो दिस बाय डिनोमिनेटर, तो उसमें 5 बाई 6 बाहर, 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस 11 बाई 3 को कर लेते हैं बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx. इसको मान लेते हैं आई वन, इसको मान लेते हैं आई टू, सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं दोनों को. ठीक है, सो लेट्स डील विथ आई वन फर्स्ट. आई वन इज अ सिंपल, जस्ट अ सिंपल लुकिंग इंटीग्रल, बिकॉज इफ वी टेक दिस डिनोमिनेटर एज टी, दैट मीन्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एज टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डेरिवेटिव 1 इज 0, दैट ऑफ 2x इज 2 एंड दैट ऑफ 3x स्क्वायर विल बी 6x, dx equals to dt, this is nothing but in numerator, so this is your 5 by 6 dt by t,
So 5 by 6 log mod t plus c. So 5 by 6 log mod t, and t was your 1 plus 2x plus 3x square plus c. So this was our I1, and our I2 is nothing but minus 11 by 3, and this was 1 upon this in denominator, so 1 plus 2x plus 3x square dx. So 1 upon quadratic अगर होता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं पता है, इसमें स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो इसको कहीं और लिख लेते हैं. दिस इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है. 3x स्क्वायर लिखते हैं, 2x लिखते हैं, 1 लिखते हैं. x का कोफिशेंट का हाफ मतलब 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है. लेकिन ये गलत मेथड है. सबसे पहला काम इसको ठीक से लिखे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. x स्क्वायर का कोफिशेंट 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले उसको 1 करते हैं. तो x स्क्वायर प्लस 2 बाय 3 x प्लस 1 बाय 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0. अब हम आगे का काम करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2 बाय 3 x प्लस 1 बाय 3, इसको आधा करेंगे तो 2 बाय 3 का आधा हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 3, ठीक है. तो 1 बाय 3 का स्क्वायर दैट इज 1 बाय 9 ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास x साइन यही वाला होता है, तो x प्लस 1 बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है. ये चीज आ गया इसके साथ और हमारे पास इसके साथ, और ये दोनों आपस में क्लब होंगे, तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 9. सो दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव अस 3 माइनस 1 2 बाय 9. सो x प्लस 1 बाय 3 का होल स्क्वायर, 2 बाय 9 को हम रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. इसको उठा के और यहाँ पे रख देते हैं, तो माइनस 11 बाय 3 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस, सो वी हैव प्लस रूट 2 बाय 3 द होल स्क्वायर, ठीक है. dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज 1 बाय a माइनस 11 3 1 बाय a, सो a दिस, सो रूट 2 बाय 3, सो 3 विल कम अप. 1 बाय a tan inverse x by a. So in place of x we have this entire thing, so x plus 1 by 3 divided by a, we have root 2 by 3. 3 3 will get cancelled. Let's say this as c2, because c1 was for the first integral. So this is 3 3 cancel, minus 11 by root 2 tan inverse, 3 3 cancel, 3x plus 1 divided by root 2 plus c2. So our final answer will be this, I1 plus I2. So 5 by 6 log 1 plus 2x plus 3x square minus 11 by root 2 tan inverse 3x plus 1 divided by root 2 plus this c1 plus this c2 collectively give us c1 plus c2, which is a constant c. So this is my final answer. You can go through steps, you can rewind the video once again. These are the basic steps, but yeah, it's a bit time consuming, and we have no other options in this particular format. We have to use time. You may use some trick, but in that you will have to remember the format, so that is again a bit hectic. So go with this, if because in exam you have to mostly solve only one question, so you can afford to lose some time for gaining marks. So that's it from my side.